हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है प्रियंका बेडस किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ठंडाई रेसिपी। ठंडाई एक ड्रिंक्स है, वैसे होली के टाइम पे काफी पसंद किया जाता है और समर के टाइम पे आप कभी भी बना के पी सकते हैं। तो इसके लिए जो जो चीजें चाहिए पहले वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने बादाम ली है, काजू ली है, शुगर मैंने पाउडर करके रखा है, खसखस है मेरे पास और ये मेलन सीड है। यहाँ पर मैंने मिल्क लिया है जो मैंने बॉयल करने के बाद एकदम ठंडा करके रखा है, इसे मैंने फ्रिज में डाला था सो अभी ये बिल्कुल ठंडा है। केसर है, सौफ है, काली मिर्च जो मैंने पाउडर बना के रखी है, छोटी इलायची इसे भी मैंने पाउडर बना के रखी है। यहाँ पे मेरे पास रोज एसेंस है। अगर आप लोगों के पास रोज एसेंस नहीं है तो मार्केट में इजीली अवेलेबल है गुलाब की सूखी हुई पंखुड़ी, वो आप रेसिपी में यूज कर सकते हैं। पैन को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और फ्लेम मेरी बिल्कुल लो है। अभी इसके अंदर पहले मैं 2 स्पून बादाम डालूंगी, इसे पहले मैं ड्राई रोस्ट कर लूंगी। 2 मिनट तक मैंने इसको कुक कर ली है। अभी इसके अंदर मैं डालूंगी सौफ, 1/2 स्पून मेलन सीड, 1/2 स्पून खसखस, 1/2 स्पून और काजू 2 स्पून। इसे मैं अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लूंगी क्योंकि इसका एक कच्चापन निकल जाए, उसके बाद इसे मैं ठंडा करके मैं पाउडर बना लूंगी। अभी मैं इसे पाउडर करने वाली हूं। इसी के साथ मैं पिंच केसर डाल रही हूं। इलायची पाउडर है 1/4 स्पून और काली मिर्च है 1/4 स्पून और शुगर है 2 स्पून। अभी मैं इसे पाउडर कर लूंगी। यहाँ पर मेरी ठंडाई पाउडर रेडी है और इसे आप बना के फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं 3 मंथ्स तक। अभी मैं इसके साथ दूध मिक्स करके ठंडाई ड्रिंक्स बनाने वाली हूँ। यहाँ पर मेरे पास दूध है, 2 ग्लास दूध है और ये बिल्कुल ठंडा है क्योंकि मैंने इसको फ्रिज में डाल दिया था। इसके अंदर मैं 2 स्पून ठंडाई पाउडर मिक्स करूंगी। और इसी के साथ थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप रोज एसेंस मैं मिक्स कर रही हूं। अभी मैं इसे मिक्सर जार में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। अभी मैं इसे सर्व करूंगी। और इसके ऊपर से थोड़ा सा केसर डाल दूंगी। आप लोग इसे घर पे जरूर बनाइए, बनाने के बाद मुझे बताइए कैसे बनी है आप लोगों की ठंडाई मेरी वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।